गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा के रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, रिप्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है। समझ में आई बात? क्या नहीं होता है? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि इसके जो प्रकार है, अगर उनकी हम बात करें एक एक करके, तो प्रकार में आप समझ जाएगा कि ये एक तो सेक्सुअल नहीं है और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गैमेट्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पोर होते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वास्तव में वो अलग प्रकार का होता है, जिसे हम कायिक जनन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कायिक प्रकार का जनन पाया जाता है। जैसे कि पहला जो प्रकार है इसका वो है यहाँ पर नंबर एक प्रकार की हम बात करें, फर्स्ट टाइप की बात करें तो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहला प्रकार है इसका फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है, जैसा कि हमने कोशिकाएं के बारे में देखा था, इसमें इस तरह की जो है फिलामेंटस कोशिकाएं होती है, ब्रांच टाइप की कोशिका होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में कोई भाग इसका, कोई सा भी भाग यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, कहीं से भी ये टूट जाए, और टूट कर क्या होता है, ये अलग हो जाती है। यहाँ पर ये क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, इस तरह से अलग हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती है, और बाद में ये जो टुकड़े होते हैं ये नए माइकोप्लाज्मा को जन्म दे देते हैं। ठीक है, नए प्रकार के जो माइकोप्लाज्मा होता है उसको ये जन्म दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन होना या खंडन होना। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो टाइप होता है इसके अंदर वो होता है बडिंग का। दूसरा जो सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है देखिएगा, बडिंग में जो सेल होती है, अब इसमें दो तीन तरह की सेल होती है, एक तो फिलामेंटस टाइप की सेल होती है, गोलाकार टाइप की सेल होती है, अनियमित आकार की सेल होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जो सेल होती है हम ऐसी बना देते हैं, फिलामेंटस टाइप की सेल ही बना देते हैं। ये जो सेल होती है, इस सेल पर जो शीर्ष भाग होता है उस पर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर निर्मित होती है, जिन्हें कहा जाता है बड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? बड्स कहा जाता है। इस तरीके से ये यहाँ पर बड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाद में ये जो बड होती है इन्हें क्या कहेंगे हम? बड बोलेंगे। ठीक है, इन बड के अंदर कुछ अमाउंट जो होता है न्यूक्लिक एसिड का भी प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है मदर सेल के अंदर, वही न्यूक्लिक एसिड का कुछ पार्ट जो है बड के अंदर चला जाता है। और यह बड जब अलग हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है, तो पर्टिकुलर हर हर जो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर है सेल की, वो प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है वो नए माइकोप्लाज्मा को जन्म दे देती है। इस तरीके से नया माइकोप्लाज्मा वो बना देती है। तो दो प्रकार हो गए, पहला प्रकार हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया बडिंग। ठीक है, ज्यादातर जनरली इसी प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड प्रकार का जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वो होता है यहाँ पर किस प्रकार का? थर्ड प्रकार का जिसे कहते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे उसे हम? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो भी एक विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है, और ज्यादातर ये भी जो है माइकोप्लाज्मा होता है इसी को इस्तेमाल करता है। इसमें क्या होता है, एक जो कोशिका होती है, एक कोशिका जो होती है वो दो समान कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। एक जो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो दो समान कोशिकाओं में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। इसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। ठीक है ना, एक कोशिका का दो समान कोशिकाओं में डिवीजन होना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, तीसरा तरीका जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तीसरा तरीका जो होता है, जो जो फोर्थ नंबर का जो तरीका होता है, फोर्थ टाइप का जो तरीका है,
वो है एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा, एलिमेंट्री बॉडीज द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इसका, और यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जो है जनन किस में होता है? तो माइकोप्लाज्मा में होता है। सिंपल सा, कैसे होता है अगर हम इसकी चर्चा करें, इसकी बात करें, तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा आप, ठीक है। ये एलिमेंट्री बॉडी है, मान लेते हैं कि जो उसकी कोशिका है, किसकी जो माइकोप्लाज्मा है, उसकी सेल है ये इस प्रकार की, ठीक है। ये उसकी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होगी, इस माइकोप्लाज्मा की कोशिका के अंदर कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स निर्मित होगी जिन्हें कहा जाएगा प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी बॉडीज। तो ये जो स्ट्रक्चर निर्मित होगी इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी बॉडीज, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात, प्राइमरी बॉडीज। बाद में ये प्राइमरी बॉडीज जो होगी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, स्ट्रक्चर वही रहेगी, सेल वही रहेगी, उस सेल के अंदर ये जो जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। इस तरीके से बड़ी होने के बाद में इसे कहा जाएगा सेकेंडरी बॉडीज। क्या कहा जाएगा इसे? सेकेंडरी बॉडीज, सेकेंडरी बॉडीज कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर ये और ज्यादा बड़ी होंगी और इनको कहा जाएगा टर्टरी बॉडीज। क्या कहा जाएगा इनको? टर्टरी बॉडीज। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर निर्मित हो जाती हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाएगा टर्टियरी बॉडीज, ठीक है, या टर्सरी बॉडीज, कुछ भी बोल दीजिए, टर्सरी बॉडीज बोल दीजिए। आप कहोगे सर टर्सरी नहीं होती, टर्टियरी नहीं होती, टर्सरी होती है, तो टर्सरी बॉडीज जो है वो इसके अंदर बन जाती है, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है बोलने का, प्राइमरी बॉडी, सेकेंडरी बॉडी और टर्सरी बॉडी। इसके बाद में ये जो टर्सरी बॉडीज होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये फट जाता है, और जो फट जाकर फटने के बाद में जो स्ट्रक्चर जो है इसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, इन्हें कहा जाता है क्वार्टरनरी बॉडीज, ठीक है। ये फट जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ से फट जाएगा, इसका स्ट्रक्चर फट जाएगा, और फटने के बाद में ये जो बॉडीज होंगी ये इसके बाहर आ जाएंगी, और बाहर आकर नए माइकोप्लाज्मा को ये जन्म देंगी, इन्हें कहा जाएगा क्वार्टरनरी बॉडीज। क्या कहा जाएगा इन्हें? क्वार्टरनरी बॉडीज, क्वार्टरनरी बॉडीज कहा जाएगा, ध्यान रखना। तो जो कितनी स्टेप में हो गया ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हो गया चार स्टेप में, ठीक है ना, चार स्टेप में जो है इसने अपना काम कर दिया है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। तो ये फोर स्टेप में जो है इसका एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा माइक्रोप्लाज्मा का जन्म होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं कल्चर के, जो इसका कल्चर होता है माइक्रोप्लाज्मा का, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। माइक्रोप्लाज्मा का जो कल्चर होता है, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो ये तो रिप्रोडक्शन की बात होगी, चार प्रकार का रिप्रोडक्शन हमने देख लिया इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कल्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है ना, कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा कैसे किया जाता है। माइकोप्लाज्मा देखिएगा, माइकोप्लाज्मा का जो कल्चर होता है वो हम किसके ऊपर कर सकते हैं? नॉर्मल जो मीडिया होता है उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मीडियम होगा वो कौन सा होगा? हमारा अगार मीडियम होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक पेट्री प्लेट है, और इस पेट्री प्लेट में जो है आपने माइकोप्लाज्मा को ग्रो कर रखा है, ठीक है, और ये हमारा हो गया माइकोप्लाज्मा जो है यहाँ पर ग्रो हो रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से ग्रो हो रहा है, ये इस तरीके से ग्रो होता है, ठीक है, और ये जो ग्रो हो रहा है इसके ऊपर में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, वृत्ताकार गोलाकार स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है इस तरीके से, ठीक है। और तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है, यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ होगा, इस तरह की कोशिकाएं होंगी बिल्कुल। दोबारा से इसको फिल करेंगे येलो कलर से, तब हमें अच्छे से दिखाई देगी। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी कॉलोनी के अंदर जब हम इसको ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर है अगार मीडियम। क्या ले रखा है हमने? अगार मीडियम, ठीक है। और इस अगार मीडियम में हमने क्या मिला रखा है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है स्टीरोल होता है, यहाँ पर स्टीरोल्स इसके अंदर होते हैं। दूसरी चीज, कार्बन सोर्स जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, अधिक अमाउंट में कार्बन होना चाहिए, तो ही ये काम करती है यहाँ पर, ठीक है।
अब ये जो कॉलोनी है इन्हें कहा जाता है माइकोप्लाज्मा कॉलोनी। इन्हें क्या कहेंगे हम? माइकोप्लाज्मा की ये क्या है? ये माइकोप्लाज्मल कॉलोनी है या माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी है। ठीक है, अब ये जो माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी होती है इसका जो साइज होता है यहां पर ये होता है 0.05 से लेकर 0.2 एनएम का। कितना साइज होता है? 0.05 से लेकर 0.2 एनएम साइज का ये होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है हमें ऐसी दिखाई देती है जैसे कि तला हुआ अंडा हो। जब हम अच्छे माइक्रोस्कोप के अंदर, हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देखते हैं तो ये हमें ब्राउनिश जैसी नजर आ रही होगी आपको, ऐसी ही यहाँ पर नजर आती है। और ये हमें दिखाई देती है तले हुए अंडे के समान। ऐसी दिखाई देती है तले हुए अंडे के समान। ठीक है, तले हुए अंडे के समान जो है यहाँ पर ये कॉलोनी हमें दिखाई देती है। तो कॉलोनी का जो वो होता है कलर होता है वो कैसा होता है? तले हुए अंडे के समान होता है। ठीक है, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं हम सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर जो मैंने पहले येलो कलर बनाया था अब मैं थोड़ा दूसरा कलर डाल रहा हूँ इसके ऊपर। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पर हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ठीक है, कैसी दिखाई देती है? इस हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। स्ट्रक्चर दिखाई देती है कहाँ पर? सेंटर में। कहाँ पर दिखाई देती है वो? सेंटर में दिखाई देती है, बिल्कुल बीच में दिखाई देती है। ठीक है, ये बीच वाला जो भाग होता है केंद्र में, यहाँ पर हमें ये हेमी स्फेरिकल ऐसी ऊंची उठी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और उसके आसपास जो है हमें उसकी परिधि के रूप में एक फैली हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो उसकी ग्रोथ होती है कॉलोनी की। इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है बाहर की तरफ में, ये इसकी ग्रोथ होती है। और बीच में एक उठा हुआ पार्ट दिखाई देता है, अगर आप देखोगे तो वो इस तरह का हमें नजर आता है। ऐसा जब हम हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको तो हमें ये ऐसे उठा हुआ नजर आता है। तो ये जो ऊपर का जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये उठा हुआ भाग है किसका? हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ये वाली उठी हुई। और ये वाला जो भाग है ये इसका फैला हुआ है जो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के आसपास जो ग्रोथ होती है वो होती है यहाँ पर। तो इस तरह की हमें ये दिखाई देती है। ठीक है, अब ये जो कल्चर होता है इसका, ये कल्चर हम नॉर्मल अगार मीडिया के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं कि अगर हम लेबोरेटरी के अंदर, किसके अंदर? लेबोरेटरी के अंदर अगर हम जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कोई सा भी हो सकता है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है वो, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर उस बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी के अंदर पेनिसिलिन दे दें, क्या दे दें? पेनिसिलिन। ध्यान रखना ये बात, बैक्टीरिया को क्या दी जाए? पेनिसिलिन दे दी जाए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दे दी जाए। तो पेनिसिलिन क्या होती है? इनहिबिट करती है सेल वॉल के प्रोडक्शन को। पेनिसिलिन का काम क्या है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल। पेनिसिलिन का काम क्या होता है? इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट करती है, मतलब सेल वॉल को बनने नहीं देती। पेनिसिलिन का एक फंक्शन होता है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो पेनिसिलिन अगर हम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है एल फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि एल फॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, क्या नाम है इसका? लिस्टर फॉर्म। लिस्टर इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, वो लिस्टर इंस्टीट्यूट का नाम, नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है, एल फॉर्म बैक्टीरिया, एल फॉर्म बैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब लेबोरेटरी के अंदर हम जो बैक्टीरिया होता है उसको अगर पेनिसिलिन प्रोवाइड करवा दिया जाए, पेनिसिलिन प्रोवाइड करवा दिया जाए तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया के ऊपर जब ये डिवीजन करेगा तो पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल नहीं बनने देगा। जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो विदाउट सेल वॉल जो मटेरियल होगा वो कहलाएगा एल फॉर्म। ठीक है, देखिएगा जैसे कैसे कैसे होगा ये सारा काम। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये सेल वॉल है। ठीक है, और इस सेल वॉल के नीचे जो है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है इसके नीचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमने इसको क्या दे दिया? पेनिसिलिन दे दिया। क्या दे दिया?
पेनिसिलिन दे दिया, पेनिसिलिन दे दिया। तो ये पेनिसिलिन देने के बाद में जब ये बैक्टीरिया डिवीजन करेगा तो दो बैक्टीरिया बनाएगा, तो जब ये दो बैक्टीरिया बनाएगा तो उन बैक्टीरिया के ऊपर जो है सेल वॉल नहीं होगी, उन बैक्टीरिया के ऊपर क्या नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। तो ये विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया होगा, इसे क्या कहेंगे हम, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑफ विदाउट सेल वॉल, है ना, बिना सेल वॉल का ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया लेकिन कैसा है, बिना सेल वॉल का बैक्टीरिया है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बैक्टीरिया कहेंगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे माइकोप्लाज्मा, ये भी एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इस चीज की खोज की थी एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम मैं यहाँ पर जगह नहीं होने की वजह से नीचे लिख रहा हूँ, बिल्कुल नीचे, क्लेन बर्गर, क्लेन बर्गर नोबेल। ठीक है, क्लेन बर्गर नोबेल, नोबेल, ठीक है जी, ये क्लेन बर्गर नोबेल है। इन्होंने 1935 में इसका एक्सपेरिमेंट किया था और एल्फोम बैक्टीरिया की खोज की थी कि एल्फोम बैक्टीरिया क्या होते हैं। समझ में आ गया बात कि एल्फोम बैक्टीरिया किसे कहते हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल बात है, एल्फोम बैक्टीरिया हम बना सकते हैं जनरली लेबोरेटरी के अंदर पेनिसिलिन उसको देकर, किसको, बैक्टीरिया को, और वो एल्फोम में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो एल्फोम होगी, वो एल्फोम वास्तव में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, लेकिन वो माइकोप्लाज्मा के जैसे होंगे। तो माइकोप्लाज्मा को एल्फोम बैक्टीरिया भी कह दिया जाता है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है एल्फोम बैक्टीरिया के जैसे भी होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है, स्फीरोप्लास्ट। एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्फीरोप्लास्ट क्या होता है, देखिएगा स्फीरोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट क्या होता है, ध्यान रखेंगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की क्या हो गई, सेल वॉल नष्ट हो गई, है ना, बैक्टीरिया में सेल वॉल नष्ट हुई, मतलब बैक्टीरिया की कुछ सेल वॉल का कुछ पोर्शन, कुछ गुण अगर उसके नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो कहलाता है स्फीरोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, देखो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल तो है, मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो है ये, बैक्टीरिया तो है ये, बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को हमने क्या दिया था, बैक्टीरिया को हमने दिया पेनिसिलिन, लेकिन उस पेनिसिलिन ने इसकी पूरी जो सेल वॉल की जो कैरेक्टर है ना, उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ सेल वॉल के कैरेक्टर है, कुछ सेल वॉल के कैरेक्टर हैं इसके अंदर, इस सेल वॉल के अंदर अभी भी इसके अंदर कुछ मात्रा में ऐसी चीजें हैं जो सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं, तो फिर ये कहलाता है स्फीरोप्लास्ट, ध्यान रखना ही बात। ठीक है, बात याद रहे कि स्फीरोप्लास्ट क्या होता है, मैं लिख ही देता हूं यहां पर, नष्ट हुई, नष्ट हुई जो सेल वॉल वाला बैक्टीरिया होता है, नष्ट हुई सेल वॉल वाला बैक्टीरिया, ये कहलाता है आपका स्फीरोप्लास्ट, ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो नष्ट हुई जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं, कुछ गुण ही नष्ट होते हैं, कुछ गुण ही नष्ट होते हैं, पूरी नष्ट नहीं होती, कुछ गुण ही नष्ट होते हैं, मतलब सेल वॉल तो होती है, सेल वॉल तो होती है, लेकिन कैसी होती है, नष्ट हुई सेल वॉल, है ना, डिलीट नहीं, सेल वॉल रहित की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सेल वॉल रहित होना अलग चीज होता है, नष्ट होना अलग चीज, नष्ट का मतलब है कि कुछ कुछ भाग जो है सेल वॉल का वो टूट गया है, ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है स्फीरोप्लास्ट, क्या कहलाती है, स्फीरोप्लास्ट। सेल वॉल पूरी नष्ट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी चीज लिख लो आप, सेल वॉल पूरी नष्ट नहीं होती, पूरी नष्ट नहीं होती, है ना, केवल कुछ गुण ही नष्ट होते हैं, कुछ गुण ही जो है इसके नष्ट होते हैं, इसे कहा जाता है स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे जो प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट सेल जो होती है, पादप की जो कोशिकाएं होती है, उन पादप की कोशिकाओं से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर लें, किसको रिमूव कर लें, सेल वॉल को रिमूव कर लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो नष्ट हो गई, कुछ कुछ अमाउंट उसका बच गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें तो पूरी की पूरी सेल वॉल को ही हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बचा हुआ जो मटेरियल होता है वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। और ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ये प्रोटोप्लास्ट भी माइकोप्लाज्मा के समान दिखाई देता है,
मतलब माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देता है, लेकिन हालांकि वो होता नहीं है क्योंकि ये एक यूकेरियोटिक सेल होती है। प्लांट सेल कौन सी सेल है? यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन इसलिए हम इसको जो है माइक्रोप्लाज्मा नहीं कह सकते, ठीक है ना। हम माइक्रोप्लाज्मा किसको बोलेंगे? स्पीरोप्लास्ट को बोलेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बात करेंगे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोप्लाज्मा की, वहां से हमारे दो चार पांच क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपके बन जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।